डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेजर ओशनिक रूट्स, प्रमुख महासागरीय जो महामार्ग हैं। महासागर जो कि पहले महाद्वीपों को अलग करने वाले जो है अवरोध के रूप में जाने जाते थे, वही महासागर विज्ञान और तकनीकी विकास के कारण अब महाद्वीपों के बीच संबंध स्थापित करने वाली कड़ी के रूप में जाने जाने लगे हैं। क्योंकि वर्ल्ड का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री जो है जल मार्गों के माध्यम से ही संपन्न होता है, और वर्ल्ड के 6 प्रमुख जो है समुद्री जो मार्ग हैं जो इस प्रकार हैं। ये पहला है उत्तर अटलांटिक जो है मार्ग, दूसरा आशा अंतरिक्ष मार्ग है, तीसरा स्वेज कनाल मार्ग है, पनामा कनाल रूट, पांचवा है उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। इस रूट के आगे दो हिस्से हैं, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग, और छठा है दक्षिणी अटलांटिक जो है मार्ग है। पहला जो मार्ग है नॉर्थ अटलांटिक रूट, उत्तरी अटलांटिक जो मार्ग है, यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्तम जो है जल मार्ग है, क्योंकि यह वर्ल्ड के दो सबसे ज्यादा विकसित और वर्ल्ड के दो सबसे ज्यादा उन्नत जो क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी यूरोप को जो है उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट से जोड़ता है। वर्ल्ड के अंदर जितना भी व्यापारिक जलयानों द्वारा जो माल ढोया जाता है उसका 25% जो माल है इस रूट पे ढोया जाता है, और वर्ल्ड के जो है 55 बड़े जो है व्यापारिक जो पत्तन है उसमें से 28 जो पत्तन है वो इस रूट पे पड़ते हैं। और यह जो समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय जो पत्तन है, जैसे लंदन है, लिवरपूल है, ग्लासगो है, मैनचेस्टर है, रोटरडम है, हैम्बर्ग है, लिस्बन है, इनको जो है नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पे स्थित जो पत्तन है जैसे क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, हैलिफैक्स है, न्यूयॉर्क है, सेंट जोन है, बोस्टन है, इनसे जो है जोड़ता है। और इस रूट पे जो है नॉर्थ अमेरिका से उत्तर अमेरिका की साइड से जो है कनाडा से जो है लुगदी है, कागज है, दूध पदार्थ है, यूएसए से जो कपास है, गेहूं है, मीट है, लोहा है, पेट्रोल है, और कैरिबियन देशों से जो है फ्रूट्स हैं, चीनी है, लकड़ी वगैरह जो है यूरोपीय देशों को भेजी जाती है। और यूरोपीय देश जो है उत्तर अमेरिका को मेनली जो है खनिज और जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो निर्मित वस्तुएं हैं वो जो है भेजते हैं। दूसरा जो मार्ग है वो है आशा अंतरिक्ष जो मार्ग है। आशा अंतरिक्ष मार्ग जो है पश्चिमी यूरोप को जो है अफ्रीका के पश्चिमी और अफ्रीका के दक्षिणी तट से जोड़ता है, और यूरोप से जो यात्री जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को जाते हैं वो सस्ते भाड़े पर जो है इसी मार्ग पर से होकर जाते हैं। पहले ये जो मार्ग है आशा अंतरिक्ष मार्ग, ये पश्चिमी यूरोप को जो है अफ्रीका के पूर्वी तट, जो है एशिया और सुदूर पूर्व के देशों से जो है इसी मार्ग से जो है पार होता था यूरोपीय देशों का। स्वेज नहर के निर्माण के पश्चात इस रूट का जो महत्व है थोड़ा कम हो गया है, फिर भी जो है जो बड़े जहाज हैं जो स्वेज नहर में से होकर नहीं गुजर पाते वो इसी मार्ग का जो है अनुसरण करते हैं, इसी मार्ग से होकर जाते हैं। और कुछ जो है जहाज स्वेज नहर के जो है भारी टैक्स से बचने के लिए भी इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। और यह जो मार्ग है इसको महासमुद्री मार्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। तीसरा जो मार्ग है स्वेज कनाल जो मार्ग है, ये जो है मानवकृत मार्ग है, मानव के द्वारा बनाया गया जो जल मार्ग है, अफ्रीका और एशिया के बीच जो सथल संधि थी उसको काट के जो है इस स्वेज नहर का जो निर्माण है किया गया है। स्वेज नहर जो है
भूमध्य सागर के तट पर स्थित जो पोर्ट सईद बंदरगाह है, इसको जो है स्वेज नहर जो है लाल सागर पर स्थित जो है पोर्ट स्वेज से जोड़ती है। स्वेज नहर का जो निर्माण है 1859 के अंदर फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेपेप्स की जो है देखरेख में स्टार्ट हुआ था। 1869 में ये नहर जो है बनकर तैयार हो गई थी। 1956 से जो है इस नहर पे जो है मिस्र का अधिकार है। यह नहर जो है 173 किलोमीटर लंबी है और इसकी औसत गहराई जो है 16.15 मीटर इसकी औसत गहराई है तथा इसकी अधिकतम चौड़ाई जो है 365 मीटर है। और स्वेज नहर के मार्ग में उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है खारे पानी की झीलें हैं। उत्तर में जो है मंजाला जो है झील है, मध्य में जो है तिमसा झील है और दक्षिण में जो है लिटिल बिटर झील है। इसके मध्य में जो है इस्माइलिया नगर है जो झील जो है तिमसा लेक पे स्थित है। इस नहर को जो है पार करने में लगभग 12 घंटे का जो है समय लग जाता है। स्वेज नहर का जो महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो स्वेज नहर के बन जाने से, ये मार्ग खुल जाने से जो पश्चिम यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देशों और जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पे जो स्थित देश हैं और जो है एशिया में जो है एशियाई देश हैं और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के बीच जो दूरी है वो कम हुई है। स्वेज नहर के निर्माण से जो है लंदन और मुंबई के बीच जो दूरी है 9600 किलोमीटर दूरी है वो कम हो गई है। दूसरा जो है न्यूयॉर्क और अदन के बीच जो है स्वेज नहर के निर्माण से 10720 किलोमीटर की दूरी जो है कम हुई है। तो एक तो इसका महत्व है कि इसने यूरोपीय देशों और एशियाई देशों और पूर्वी अफ्रीकी देशों के बीच जो दूरी को कम किया है। दूसरा, इस नहर का जो महत्व है, यूरोपीय देशों को इस नहर से बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा है, विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन को। ग्रेट ब्रिटेन को इस नहर का बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। कारण क्या था कि ग्रेट ब्रिटेन के जो है सुदूर पूर्व एशियाई देशों में जो है कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है उन उपनिवेशों से कच्चा माल जो है इसी मार्ग से जो है अपने देश में लाया जाता था, ग्रेट ब्रिटेन में लाया जाता था। और ग्रेट ब्रिटेन में जो है उस माल को तैयार माल में जो है मैन्युफैक्चर गुड्स में बदल के फिर उन्हीं जो कॉलोनीज में बेचा जाता था। तो इसलिए इसको जो है, इस स्वेज नहर को जो है ब्रिटिश साम्राज्य की जो है स्नायु नाड़ी के रूप में, जगुलर वीन ऑफ जो है ब्रिटिश एम्पायर के रूप में इस नहर को जाना जाता है। तीसरा है कि इस नहर का जो महत्व है सिर्फ यूरोपीय देशों के नहीं, पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनके लिए भी इस नहर का महत्व है, उनको भी इस नहर से फायदा हुआ है। तो पूर्वी एशियाई देश जो है वो इस नहर के माध्यम से, इस नहर के द्वारा जो है अपने पश्चिम यूरोपीय देशों को जो है पटसन, चाय, रेशम, चीनी, रबड़, गर्म मसाले, मांस, ऊन, टीन, हेम्प आदि का जो है निर्यात करते हैं। नेक्स्ट जो मार्ग है, ये जो है मैप है, मैप के अंदर जो है सभी जो है समुद्री जो है मार्ग जो है दिखाए गए हैं। जैसे एक नंबर पे ये जो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग है जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों को नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट से ये जोड़ रहा है। दूसरा जो मार्ग है आशांतरिक मार्ग है जो पश्चिम यूरोपीय देशों को जो है अफ्रीका के पश्चिम और दक्षिण तट से और आगे जो है एशियाई देशों, सुदूर पूर्व देशों से जोड़ रहा है। तीसरा जो मार्ग जो है इसमें शो किया गया है पनामा कनाल मार्ग, ये पश्चिम यूरोपीय देशों को जो आगे ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से आगे ये जो है स्वेज नहर का निर्माण इस जगह पे सत्तर संधि को काट के किया गया है और आगे लाल सागर से होते हुए अरब सागर में होते हुए जो है जहाज जो है एशियाई देशों में पहुंचते हैं। चौथा जो मार्ग है वो पनामा कनाल मार्ग है जो कि उत्तर अमरीका और दक्षिण अमेरिका के बीच जो पनामा गणराज्य देश है इसके अंदर जो सत्तर संधि को काट के बनाया गया है, ये मार्ग जो है चौथा जो मार्ग है। पांचवा जो महामार्ग जो है वो जो है
उत्तरी जो है प्रशांत महासागरीय मार्ग है, जो कि उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट और इधर जो है सुदूर पूर्व एशिया के देश है, यूरोप है, चीन है, कोरिया वगैरह, सिंगापुर, इनसे जोड़ता है। और 5B पे जो है, क्योंकि इस मार्ग के जो है उत्तरी प्रशांत महासागर के दो पार्ट है, एक उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग है, दूसरा दक्षिण प्रशांत महासागरीय मार्ग है। 6 नंबर पे है दक्षिणी अटलांटिक जो है मार्ग, जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और जो है अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, इसको जो है दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से जोड़ रहा है। तो ये मैप के अंदर विभिन्न मार्गों को जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट जो मार्ग हम करेंगे वो है जो पनामा कैनाल रूट है, पनामा नहर मार्ग जो है। तो पनामा नहर मार्ग जो है ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो मध्य में ये मार्ग जो है स्थित है। यह भी एक मानवकृत जो है जल मार्ग है, और जो पनामा गणराज्य देश जो है इसके अंदर जो है पनामा जल डमरू मध्य जो है सतल संधि है, उसको काट के ये जो है इस पनामा नहर मार्ग का जो निर्माण है किया गया है। और पनामा जो नहर मार्ग है ये जो है अटलांटिक महासागर के तट पे स्थित जो बंदरगाह है कोलोन बंदरगाह, उसको जो है प्रशांत महासागर के तट पे स्थित जो है पनामा बंदरगाह से जोड़ता है। और पनामा जो नहर का निर्माण है वो 1906 में यूएसए के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है शुरू करवाया गया था 1906 के अंदर, और ये नहर जो है 15 अगस्त 1914 को जो है व्यापार के लिए जो है इसको खोल दिया गया था। इस नहर को निर्माण के लिए पनामा जो देश है पनामा गणराज्य में एक पहाड़ी जो क्षेत्र था उसको काट के जो है पनामा नहर का जो निर्माण किया गया, जिसको जो है गैलार्ड कटाव के नाम से जाना जाता है। और पनामा नहर की जो लंबाई है 81 किलोमीटर लंबी है, ये 12.5 से 26 मीटर जो है गहरी है, और इसकी जो चौड़ाई है 91 से 305 मीटर तक ये चौड़ी है। और इसकी विशेषता ये है कि ये समुन्द्र तल से 25.6 मीटर ऊपर समुद्र तल से ऊबड़ खाबड़ धरातल पर बहती है, और इसको पार करने के लिए लॉक सिस्टम लगाया गया है, ताकि लॉक सिस्टम के द्वारा जहाजों को नहर के तल तक जो है ऊपर उठाया जा सके और फिर जो है नहर में से पार किया जा सके। और इस नहर को पार करने के लिए 7-8 घंटे का जो समय है लगता है। अब है पनामा कैनाल का जो महत्व है, पनामा कैनाल का उतना ज्यादा जो है व्यापारिक और आर्थिक महत्व नहीं है जितना कि स्वेज कैनाल का है। इस नहर का जो है जो ज्यादा जो महत्व है यूएसए के लिए, ये यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों का जो है पोषण करती है ये नहर, और यूएसए के हितों का जो संरक्षण है ये नहर करती है। तो नेक्स्ट जो महत्व है कि इस नहर के निर्माण से यूएसए के जो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह थे और यूएसए के जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं उनके बीच जो दूरी है काफी कम हो गई है। उदाहरण के तौर पे न्यूयॉर्क जो कि पूर्वी तट पे जो बंदरगाह नगर स्थित है और पश्चिमी तट पे सैन फ्रांसिस्को है पत्तन है, इनके बीच जो है पनामा नहर के निर्माण से 13,000 किलोमीटर की जो दूरी है कम हुई है। पहले जो है यूएसए के जो पूर्वी जो है तट पे स्थित जो है जो पत्तन थे उनका जो है संपर्क जो है पश्चिम जो तट पे स्थित नगर थे उनका संपर्क जो है उनसे जो व्यापार है वो केप होरन जो मार्ग है जो दक्षिण अमेरिका के नीचे से होकर गुजरता है वहां से उनका जो संपर्क था होता उस मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। और वो मार्ग जो है काफी जोखिम भरा है क्योंकि वहां काफी जो है समुद्री तूफान आते रहते हैं। नेक्स्ट जो महत्व है इसका जो महत्व है कि जो पश्चिमी यूरोपीय देश और यूएसए के पश्चिम तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं उनके बीच भी दूरी काफी कम हो गई है पनामा नहर के निर्माण से। उदाहरण के तौर पे लिवरपूल और सैन फ्रांसिस्को के बीच 8,000 किलोमीटर की जो दूरी है कम हुई है।
नेक्स्ट जो जो है महत्व है कि इस नहर का जो है यूएसए के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अपने जो जहाजी बेड़े हैं, नौसैनिक जहाजी बेड़े हैं, उनको जो है जो है अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में और प्रशांत महासागर से अंध महासागर में इस मार्ग के द्वारा जो है इस नहर के माध्यम से ला सकता है। तो अमेरिका के लिए इसके बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व है। नेक्स्ट जो महत्व है कि पश्चिमी जो द्वीप समूह है, वेस्ट इंडीज जो कि यूएसए के लिए सेफ्टी वाल्व का जो काम करते हैं, सुरक्षात्मक कवच का जो निर्माण करते हैं, तो यूएसए का जो है इस नहर का निर्माण होने के पश्चात वेस्ट इंडीज की देखरेख करना, वहाँ जो है अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित करना जो है बहुत आसान हो गया है। ब्रिटेन को भी इस नहर का फायदा हुआ है, इसका लाभ हुआ है, और ब्रिटेन को जो है पहले जो है न्यूजीलैंड, ब्रिटेन से न्यूजीलैंड और जो है दक्षिण अमेरिका के जो है जो पश्चिमी तटों पर जाने के लिए ब्रिटेन की दूरी भी जो है कम हुई है, तो ब्रिटेन को भी इस नहर से जो है छोटा जो मार्ग है मिल गया है। नेक्स्ट, इस मार्ग के द्वारा अटलांटिक महासागर से जो है पेट्रोलियम है, चांदी है, पारा है, सिनकोना है, गन्ना है, केला, ऊन, मांस, लकड़ी, दूध पदार्थ, रबड़ का निर्यात जो है प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों को किया जाता है, और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों से जो है मशीनें, तांबा, नाइट्रेट, इस्पात की वस्तुएं, टीन का सामान, मछली और निर्मित वस्तुएं जो है अंध महासागरीय क्षेत्र को भेजी जाती हैं। नेक्स्ट जो मार्ग है वो है उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। तो वैसे तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, परंतु प्रशांत महासागर के जो जल मार्ग हैं वो बहुत ही सीमित हैं और बहुत कम विकसित हुए हैं। हाल ही के वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ बदलाव आए हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का के क्षेत्र पे, हवाई द्वीप पे जो है फिलीपींस के द्वीपों पे जो है उनको अधिकार में करना, जो है जापान के जो है जापान की जो बंदरगाहें हैं व्यापार के लिए खोली जाना, और जो है चीन का जो है आर्थिक विकास होना, सीमित उधारीकरण, इसकी वजह से इस जो मार्ग का जो महत्व है धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और जो यह जो मार्ग है इसके आगे दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, एक है उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग और दूसरा है दक्षिण प्रशांत महासागरीय मार्ग। जो है जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग है वो जो है नॉर्थ अमेरिका के जो है पश्चिमी तट पे जो स्थित बंदरगाह हैं, जैसे पोर्टलैंड है, वैंकूवर है, लॉस एंजलिस है, सान फ्रांसिस्को है, प्रिंस रूपर्ट है, इनको जो है पूर्वी एशिया की जो बंदरगाह हैं जैसे याकोहामा है, कोबे है, शंघाई है, हांगकांग है, मनीला है, सिंगापुर है, इनसे जोड़ता है। और वैसे तो जो है जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग है ये कई जो है जो व्यापारिक मार्गों के माध्यम से जो है पूर्वी एशियाई देशों में और जो है यूएसए के पश्चिमी तट के जो है बीच व्यापार होता है कई मार्गों के माध्यम से, परंतु ये सभी मार्ग जो है हवाई द्वीप की जो राजधानी होनोलुलु है उस पे आके ये सभी मार्ग जो है मिलते हैं। और एशियाई देशों से जो है मेनली इस रूट पे जो है जो यूएसए को जो है जो चीजें भेजी जाती हैं, उत्तर अमेरिका को जो चीजें भेजी जाती हैं एशियन कंट्री से, उसमें कोकोनट है, तेल है, चीनी है, चाय है, रेश सिल्क है, तंबाकू है, और खिलौने जो है वो अमेरिका को भेजे जाते हैं। और अमेरिका से मेनली जो है फ्रूट्स है, मीट है, दुग्ध पदार्थ है, और जो है गेहूं है, कागज़ है, पेट्रोलियम है, और जो है धातुएं जो है वो एशियन कंट्री को जो है एक्सपोर्ट की जाती है, भेजी जाती है। नेक्स्ट जो है जो मार्ग है इसका जो है इस महासागरीय मार्ग का जो बी पार्ट है दक्षिण जो है प्रशांत महासागरीय मार्ग,
दक्षिण प्रशांत महासागरीय मार्ग जो है वो पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका को जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों से जो है पनामा कनाल के थ्रू जो है जोड़ता है। इस जो है जो मार्ग पे जो है इस रूट पे मेनली जो है वीट है, गेहूं है, मीट है, जो है ऊन है, फ्रूट्स हैं, दूध पदार्थ हैं और निर्मित वस्तुएं जो है उनका परिवहन किया जाता है। और इस क्षेत्र की जो मेन बंदरगाह है वो होनालुलु है। तो ये है नेक्स्ट जो मार्ग है वो है दक्षिण अटलांटिक रूट जो है, दक्षिण अटलांटिक जो रूट है। और दक्षिण अटलांटिक रूट जो है यह जो समुद्री मार्ग है वो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका को जो है दक्षिण अमेरिका के जो है पूर्वी तट से ये पूर्वी तट स्थित देशों को आपस में जोड़ता है। और इस रूट की जो है बहुत ज्यादा महत्व नहीं, इसकी तुलना करें हम नॉर्थ अटलांटिक रूट से तो उसकी तुलना में यह कम महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि जो दक्षिण अमेरिका के जो पूर्वी तट पर स्थित देश हैं और अफ्रीका के जो पूर्वी तट पर स्थित देश हैं वहाँ जो है कम जो है जनसंख्या घनत्व कम है और दूसरा आर्थिक रूप से ज्यादा उन्नत देश भी वहां पे नहीं है उन दोनों तटों पे। तो जिस वजह से इस जो है व्यापारिक मार्ग का जो महत्व है कम है। नेक्स्ट इस क्षेत्र पे जो है कुछ डेवलप्ड एरियाज है, जैसे दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका के साइड से जो है उन्नत है और दूसरा जो है ब्राजील का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वो काफी जो है आर्थिक रूप से उन्नत है। तो इन रियो डी जनेरो से और केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका के बीच भी ज्यादा जो है समुद्री व्यापार नहीं होता। कारण क्या है कि जो अफ्रीका के और दक्षिण अमेरिका के जो है दोनों देशों के जो है जो संसाधन है एक जैसे हैं, दोनों देशों के जो है उत्पाद हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक जैसे हैं, जिस वजह से ज्यादा व्यापार इन दोनों के बीच नहीं हो पाता है। तो मेनली जो है इस रूट पे साउथ अमेरिका से जो है ब्राजील से जो है इस रूट से ब्राजील से कॉफी और जो है कोको है और जो है अर्जेंटाइना से जो है गेहूं है, मांस है और ऊन है वो नॉर्थ अमेरिका और जो है यूरोपियन कंट्रीज को भेजी जाती है। और यूरोपियन कंट्रीज से नॉर्थ अमेरिका से मेनली जो कोयला है, मशीनरी है और औद्योगिक वस्तुएं हैं वो जो है दक्षिण जो है अमेरिकन देशों को भेजी जाती हैं। और इसके जो मेन जो बंदरगाह है इस मार्ग पे पड़ने वाली उनमें लंदन है, लिवरपूल है, हैमबर्ग है, किंगस्टन है, रियो डी जनेरो है, ब्यूनस एयर्स है और मॉन्टीवर्डिया जो है इस रूट की जो है प्रमुख बंदरगाहें पड़ती हैं। थैंक यू। इसी के साथ जो है ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। आपको अवश्य ही ये जो है काफी जो है अच्छा लगा होगा और आप इस टॉपिक को और अच्छा बनाने के लिए जो अपने सुझाव हैं मुझे भेज सकते हैं।